नमस्कार दर्शकों, मैं हूं कमल प्रकाश। निश्चित रूप से रोजाना हम शाम को 7 बजे अलग अलग विषयों पर बातचीत करते हैं, क्योंकि जहां कोरोना की इस महामारी की वजह से हर व्यक्ति का आर्थिक दृष्टिकोण से कमर टूट गई है, उस टूटी हुई कमर को किस तरीके से सरकार अपना दायित्व निभाए, उन सब चीजों के लिए हम लोग वार्ता लगातार करते हैं। और निश्चित रूप से हम जब यहाँ पे बातचीत करते हैं तो हमारी कई सारी बातें उन विषयों को बनकर, हमने देखा है कि कई दिनों तक वो विषय बनकर और निश्चित रूप से वो धरातल पर उतर के आती है और इन सब चीजों के ऊपर निश्चित रूप से हम लोग चर्चा करते हैं। आपके जो अमूल्य सुझाव होते हैं, उन सुझावों की बदौलत ही निश्चित रूप से स्वामी न्यूज इन मुकामों को हासिल कर पाए। मेरा आपसे निवेदन है कि जो आपके सुझाव हैं वो आप निश्चित रूप से आप जरूर दें। जो आपके सुझाव होंगे उनके आधार पर ही कहीं ना कहीं सरकारें, क्योंकि ग्राउंड के सर्वे के ऊपर जब सर्वे करती है तो ग्राउंड की बातें जाती हैं, ग्राउंड की सर्वे के आधार पर निश्चित रूप से स्वामी न्यूज इन दिनों एक पूल का काम कर रहा है, तो निश्चित रूप से वो हम लोग पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और हम लोग निश्चित रूप से कैसा पैकेज हो, किसे आर्थिक दृष्टिकोण से पैकेज मिलेगा, कैसे मिलने की प्रक्रिया है, कौन कौन लोग इन सब चीजों के अंदर शामिल होते हैं और किन्हें मिलने के बाद उनकी स्थितियां किस तरीके की आगे जाके जमीनी स्तर के ऊपर वर्किंग हो पाती है, उन सभी चीजों के ऊपर निश्चित रूप से हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में आज इस पैनल के अंदर मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार गिरधर तेजवानी जी। गिरधर तेजवानी जी, आपका स्वागत है। गिरधर तेजवानी जी, निश्चित रूप से हमारे रोजाना जो हम डिस्कस करते हैं उन डिस्कस के अंदर मूल रूप से सुझाव देने के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अजमेनामा.com के नाम से आपका कुछ समय का पोर्टल चलता है, पुरानी वरिष्ठ पत्रकार हैं, जमीनी स्तर पे आपने सारी स्थितियों को देखा है। पहले भी जो आर्थिक पैकेजेस मिले हैं उन सब चीजों के ऊपर भी चर्चा करेंगे, सरकार अभी सब चीजों के बारे में क्या सोचती है उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। इस पैनल के अंदर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं गोविंद जी व्यास साहब वित्तीय सलाहकार रहे हैं राजस्थान सरकार के अंदर, और मेरे बड़े भाई भाई दोनों मेरे बड़े भाई हैं। पर निश्चित रूप से जो सरकार के अंदर किस तरीके से आर्थिक पैकेजेस बनते हैं, सरकार में किन लोगों को वो मानती है कि ये स्थिति इनके लिए पॉजिटिव है, इन लोगों को आर्थिक पैकेजेस मिलने चाहिए, और किन्हें नहीं मिलते हैं, उन्हें मिलने के लिए निश्चित रूप से क्या सलाह हो सकती है, उन सब चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से उन सब चीजों को भी हम लोग पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा गिरधर तेजवानी जी से, गिरधर तेजवानी जी बताएं कि जो आपने आज तक का जो ट्रेंड देखा है कि जो कोई भी संकट काल आता है, अभी का जो आज का संकट काल कोरोना की जो महामारी का दूसरी जो लहर है, ये दूसरी लहर के अंदर निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर जो संकट आ रहे हैं उसके बारे में आपका क्या मानना है, क्या बोलते हैं गिरधर तेजवानी जी? आपका स्वागत जी। नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान कोरोना काल में लगभग सभी वर्ग जो है आर्थिक संकट में, इनका पैमाना अलग अलग हो सकता है लेकिन ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो इससे अछूता हो। लेकिन आमतौर पे जो लोक कल्याणकारी सरकार होती है उसका इस पे नजर होती है कि जो बिल्कुल निचले तबके का व्यक्ति है, जो आम जो आखिरी व्यक्ति है जमीन पे, उसको जो है किस तरह से संकट के समय राहत दी जाए, इस बारे में सभी सरकारें समय समय पे कदम उठाती भी हैं। और जैसे आपको डरेगा जैसी महत्वाकांक्षी योजना जो है वो भी उसी तरह का ही एक उसी का ही पार्ट है एक तरह से, कि निचले तबके का आदमी जो है उसको रोजगार मिल जाए। तो लेकिन अभी वर्तमान में जबकि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद की जा रही है एक तारीख से, लेकिन साथ ही साथ इस पर भी कहीं ना कहीं विचार शुरू हो गया है या इस तरह की मांग भी उठने लगी है, सरकार तक लोगों की आवाज भी पहुंची है जैसी हमारी जानकारी है। उसमें यह है कि किस तरह से जो है सभी वर्गों को जो है इस कोरोना काल के कारण से जो आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ है, जो इकोनॉमी बिगड़ी है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो हालांकि जो बड़े संपन्न लोग हैं, बड़े फैक्ट्री मालिक हैं, कारखाना मालिक हैं, बड़े व्यवसायी हैं, उनको अलग तरह की जो है मदद की दरकार है। मध्यम वर्गीय भी परिवार भी ये सोचते हैं कि हमें भी किसी तरह की कोई राहत मिलनी चाहिए, और लेकिन सबसे ज्यादा जो जरूरत महसूस की जा रही है वो जो निचला तबका है बिल्कुल, जिससे हालांकि सरकारी भाषा में तो
बीपीएल कहा जाता है, बिलो पॉवर्टी लाइन। और लेकिन हमारा ऐसा दृष्टिकोण है कि क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ उतनी जागृति नहीं है, और इस कारण से बहुत सारे लोग जो वाकई है तो गरीबी की रेखा के नीचे, लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो जागृति के अभाव में या हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं या जो समाज सेवी हैं उनकी शिथिलता की वजह से बहुत सारे लोग रिटायर अंतर हैं, उनको कौन बताए कि इसका प्रक्रिया कैसे, उसके लिए उनको रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। हालांकि पिछले साल जब आर्थिक पैकेज या राशन सामग्री मिलने की बात हुई थी तब बीपीएल के लोगों को ही चिन्हित करके गेलो ने वो राहत पहुँचाई थी, लेकिन तब भी ये मांग उठी थी कि भाई उन लोगों को भी राहत मिलनी चाहिए जो उसमें रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। उस दौर में हालांकि कुछ लोगों ने प्रयास किया और बीपीएल में शामिल करने की कोशिश की लोगों को, लेकिन मुझे लगता है कि उसके पूरा काम नहीं हुआ। आज जब फिर वैसी की वैसी स्थिति आ गई है और हमें लगता है कि सरकार यदि बीपीएल को कुछ आर्थिक प्रावधान या किसी तरह की कोई राहत देना चाहती है तो उसके पास तो एक ही मुद्दा नहीं था बीपीएल वाला। और लेकिन उसमें अच्छा ये भी संभावना है कि जैसे ही सरकार इस तरह की कोई घोषणा करती है तो हो सकता है लोग ताबड़तोड़ इसमें रजिस्ट्रेशन कराने की कोशिश करें, तो इसीलिए इस बात की भी सरकार के ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी, खास करके जिला प्रशासन की जिम्मेदारी आ जाएगी कि वो कहीं इसमें फर्जीवाड़ा न हो जाए। क्योंकि आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि जब भी कहीं आर्थिक लाभ की बात आती है तो उस पर लोग टूट पड़ते हैं, और कई जो आंशिक लोग हैं या जो गैर जरूरी लोग हैं वो लोग भी उसका लाभ उठाने की कोशिश करते हैं, ऐसे बहुत सारे वाहन सामने आए हैं। तो कुल मिला के जो विषय है वो ये है कि जो है आज के संकट में आर्थिक पैकेज किस तरह का हो सकता है, क्या सरकार के स्तर पर इस पर कोई विचार की स्थिति बन रही है। हमारी जानकारी के हिसाब से तो यहाँ ये बात तो बन चुकी है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने से पहले उस पर क्या एक्सरसाइज चल रही है या उसकी क्या प्रक्रिया होगी उसको लेकर के मुझे हमारी जानकारी नहीं है। और हमारे साथ में जो है राजस्थान सरकार के पूर्व में वित्तीय सलाहकार रहे आदरणीय राजजी मधु, वो तो खैर वित्तीय मामलों के जानकार है, तो परसों तक उन्होंने वहाँ उस पद पर रहे हैं, इसलिए उनको तो बहुत अच्छे से पता है कि आर्थिक पैकेज किस तरह से तैयार किए जाते हैं, किस तरह से उसको जमीन को ग्राउंड पर उतारा जाता है, वो विषय विशेषज्ञ भी है। तो हमें उम्मीद है कि मैंने जो अपनी बात है वो उसको दिशा देने की कोशिश की है, और राज्य से उम्मीद है कि थोड़ा इसका प्रक्रिया क्या है, और यदि उनकी कोई जानकारी है कि भाई इस स्तर पर कोई गवर्नमेंट विचार कर रही है या नहीं कर रही है, तो हमारा निवेदन है कि राज्य जरा आप थोड़ा इसको जो है सुख प्रकार बन जी। जी गोविंद जी साहब आपसे निवेदन है, कृपया बताएं। तेजवानी साहब और कमल जी, आपने विषय की बहुत शानदार शुरुआत करी और आपने एक बात कही कि जब भी आर्थिक पैकेज आता है तो वो पैकेज शुरू होता है बीपीएल से, एससी से, एसटी से और अदर बैकवर्ड क्लासेस से, और आजकल इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस एक चीज और आगे लगभग 5 को लेकर के सामान्यतः पैकेज बनाया जाता है और बच जाता है वो फिर औरों के लिए सोच की जाती है। मैं सामान्य बात कर रहा हूँ, जनरल बात बिल्कुल नहीं कर रहा, स्पेसिफिक बात बिल्कुल नहीं कर रहा। असल में मुझे सौभाग्य मिला जब मैं ग्रामीण विकास विभाग का डिप्टी सेक्रेटरी भी था, प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी था, और उस समय बीपीएल चयन का काम शुरू हो चुका था और मुझे मॉनिटर बनाया गया था कुछ जिलों का राजस्थान के, जिसमें अजमेर भी एक था। मैं गांव का उदाहरण नहीं दूंगा, उसमें क्या होता है कि एक प्रश्नोत्तरी होती है और हर प्रश्न का एक नंबर होता है। प्रश्न ये होता है कि क्या आप दोनों टाइम खाना खाते हैं, प्रश्न ये होता है कि आप दोनों टाइम खाना तो खाते हैं लेकिन क्या आपके यहाँ एक बार या दो बार सब्जी बनती है, प्रश्न ये होता है कि आपके पास वाहन क्या है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, प्रश्न ये होता है कि आपके पास कच्चा मकान है, पक्का मकान है या मकान ही नहीं है। इस तरह कम से कम 100 के आसपास सवाल होते हैं और उसमें से नंबर दिए जाते हैं, और जो कम नंबर के आते हैं एक सरकार तय कर लेती है यहां तक के लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है। मैं सोचता हूं कि इससे ज्यादा
पारदर्शी शब्द तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा और कोई व्यवस्था की भी नहीं जा सकती है। मैं केवल बीपीएल की बात कर रहा हूं। होता है क्या है कि जो गाइडलाइन है वो पंचायत समिति तक जाती है और पंचायत समिति से ग्राम पंचायत तक जाती है। वहां जो उस समय ग्राम सेवक जी कहलाते थे, राज जो ग्राम अधिकारी जी कहलाते हैं, वो उसको पढ़ते हैं और अपने तरीके से एक चीज निकालते हैं। समाज में जो वर्ग होता है उसका अलग अलग सोच होता है। कल एक बहुत बढ़िया विश्लेषण तेजवानी साहब ने किया कि लोअर मध्यम क्लास। मेरे दादाजी मुझे कहानी सुनाते थे कि हमारे किशनगढ़ की एक बात थी, बेटा हम किसी को अपने घर के अंदर की स्थिति नहीं बताते थे। खाने को भले ही लाले पड़े हों, भले ही हमने सूखी रोटी खाई हो, लेकिन बाहर जब निकलते थे तो थोड़ा सा घी उंगलियों में लेकर के मूंछ पे लगा लेते थे। सामने वाले को खुशबू आती थी, कैसा आज तो बड़ी देशी घी की खुशबू आ रही है, हाँ बिल्कुल अब आज तो ऐसा माल बनाया। मैं तो अंदर रोटी भी नहीं खाई, हमने यहाँ सूखी रोटी खाई है। मध्यम परिवार एक ऐसा परिवार होता है जो वास्तव में अपनी बातों को छिपाने की कोशिश करता है, क्योंकि समाज में उसके बाबत ये नहीं हो जाए ये तो एंटू मौत लोग हैं। और कई चीजें जुड़ी हुई है, यदि हैंड टू माउथ खिलाए तो शादी नहीं होगी, यदि हैंड टू माउथ खिलाए तो कभी पांच पैसे की जरूरत पड़ गई तो कोई मदद नहीं करेगा, यदि हैंड टू माउथ खिलाए तो समाज मेरे जो रिश्तेदार थोड़े से ऊंचे हैं वो मुझे पूछेंगे भी नहीं, और बहुत सारी बातें जो आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अब जब सर्वे शुरू हुआ और मैं चूंकि मॉनिटर था, एक दिन मैं अजमेर के कुछ गाँव में गया जयपुर से आते हुए। उसमें एक जब हम जा रहे थे, मेरे साथ सीओ साहब थे, बीडीओ साहब थे, प्रधान जी थे, प्रधान जी खान साहब चूंकि मेरे क्लास फेलो भी रहे थे कॉलेज के जमाने में, इसलिए वो प्रेम से भी साथ थे। श्रीनगर पंचायत समिति की पंचायत की बात है, हम एक गांव में घुसे और गांव में घुसते हुए जब एक जगह पहुंचे तो हमने देखा दो तीन टीवी ठीक करने वाले की दुकान है, जहां बहुत टीवी भरे पड़े हैं और बहुत सामान भरे पड़े हैं। एक नजर डालते हुए निकल गया, मेरा कोई सोच दिमाग में सोच भी नहीं था। हम 10-15 घरों में गए जो मुझे लगे के गरीब परिवार के घर है, और 10-15 ऐसे गए जो मुझे लगे संपन्न परिवार के घर है। और 10-15 ऐसी जगह गए जहां पर एक कमरे के मकान में लोग बाग रहते थे, बाकी कच्चा बाड़ा था। क्या है साहब, प्राइवेट स्कूल में मास्टरी करते हैं। क्या है साहब, साहब ठेके पर ये काम कर रहे हैं। साहब क्या है, बिजली का काम करते हैं। साहब क्या है, फलाना काम करते हैं, साइकिल ठीक करने का काम करते हैं। मेरे को जो संपन्न लगे, जब मैंने उनका बायोडेटा देखा, नंबरिंग देखा, तो मुझे लगा कि यार इनके सबके घरों में तो टीवी है ही नहीं, और जब टीवी नहीं है तो उन दुकानों पे टीवी क्यों पड़े हुए हैं। बहुत सारे सवाल थे, आपके टीवी है क्या, मिक्सर ग्राइंडर है क्या, अमुक है क्या, अमुक है क्या, उनके नंबर थे। मैं बीडीओ साहब को लेकर, प्रधान जी को लेकर के और सीओ साहब को लेकर के उस दुकान पे गया और मैंने एक साधारण प्रश्न पूछा कि भैया कबाड़ी की दुकान है क्या। प्रश्न एक बड़ा अजीब सा प्रश्न था, उसको बड़ा गुस्सा आया, कहने लगा साहब क्या बात करते हो, मैं टीवी ठीक करने वाला मैकेनिक हूं। मैंने कहा भाई साहब तो इतने टीवी कहां से आ गए। चूंकि अधिकारियों के फोर्स साथ में चल रही थी, लिहाजा वो बोला कि ये कहां से आ गए, गांव से आए हैं। मैंने कहा नाम बताओ, कुछ नाम बताने लगा, मेरी उस लिस्ट में नाम नहीं मिल रहे थे। मैंने उन लिस्ट वाले नामों को दो चार छह को लिया, हाँ जी उनका भी है, हाँ जी उनका भी, हाँ जी उनका भी है। मैंने वीडियो साहब से कहा कि साहब आपके जो ग्राम सेवक साहब है जरा उनको आगे करिएगा। मैंने कहा भैया क्या भरा आपने, तो साहब मुझे बताया जो भरा, मुझे काम नहीं है, टीवी तो नहीं है, मुझे कहा सब्जी नहीं खाते एक टाइम पे तो नहीं खाते। मैंने कहा जी अपन वहां चले, वहां तो सब्जियों की बाड़ी थी।
और तोड़ तोड़ के खाया जा रहा था। हम लौटे वहां से, मैंने अपनी रिपोर्ट में भी बात की और जितने जिलों में मैं गया मैंने इस बात की चेष्टा करी कि वो लोग जो वास्तव में वंचित है वो शामिल हो। पर मैंने जब लोअर मिडिल क्लास के लोगों से बात करके कहा भैया ये चीज तुम्हारे यहाँ पर नहीं है, हटाओ इसको, इस पे जीरो करो, तो उनका जवाब था नहीं साहब, समाज में हमारी एक प्रतिष्ठा है, मेरे पिताजी पटेल हुआ करते थे, मेरे पिताजी साहूकार हुआ करते थे, मैं गरीब हो गया तो मेरे लखड़ हैं, प्लीज दुनिया के सामने ये चीज उजागर नहीं होनी चाहिए। और नतीजा सर आज ये है, सरकार मेडिकल का फील्ड हो, एग्रीकल्चर का फील्ड हो, हर तरह का फील्ड हो, उसमें सरकार बीपीएल को सारी सुविधाएं देती है, इलाज फ्री, अमुक चीज फ्री, अमुक चीज फ्री, अमुक चीज फ्री, अमुक चीज फ्री। लेकिन असल में जो तेजवानी साहब ने कहा, बीपीएल जो बीपीएल है वो सिलेक्ट ही नहीं होता, और कहीं ना कहीं यहां पर किसी की कमी है, तो हमारी मानसिकता की भी कमी है, और साथ में बहुत बड़ी कमी जो है वो हमारे कर्मचारियों की कमी है जो सर्वे करने जाते हैं और प्रश्न जानते हुए कि ये नहीं है वो कहता है जो लिख देते हैं, क्योंकि उसके दस्तखत होते हैं या अंगूठा लगाता वो। तो बीपीएल का चयन इस प्रकार से होता है। जाति प्रमाण पत्र पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, निश्चित रूप से वो वर्ग है जो समाज में सदैव पिछड़े रहे, उनको आगे आना चाहिए और आगे आने के लिए सरकार प्रयास करे, उनको संसाधन उपलब्ध कराए, ये स्वागत योग्य बात है। लेकिन उनमें भी बीपीएल हुआ करते हैं, पहले उनको तो लो। मैं इस विषय पे बहुत जान के ज्यादा नहीं जा रहा हूं, इससे जुड़ा तो पहली चीज तो चयन हो, मैं चयन हो। और आप देखिएगा अस्पताल पधारिएगा, स्कूट बढ़िया कपड़े पहने हुए, बढ़िया जूते पहने हुए लोग बीपीएल के लाइन में खड़े हुए, और मध्यम लोअर मध्यम परिवार का आदमी फटे कपड़ों में भी उस लाइन में खड़ा हुआ है। जी, भाई साहब क्या हुआ आप? कैसा मैं फलाना गुज्जर, एक मिनट गोविंद जी एकदम एक सेकंड, क्या गिरधर वैसा कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी एक्चुअली मेरे मन में सवाल आया है, कि जैसा आपने बताया है कि उसमें तकरीबन 100 या जो भी बिंदु होते हैं उसको मतलब बीपीएल में चयन के लिए उसका पैरामीटर ये है, तो उसमें जो त्रुटियां रहती हैं ग्राउंड लेवल पे क्या खामियां छूट जाती है वो तो क्या मानते हैं, लेकिन जब ये गवर्नमेंट बना बीपीएल को चयन करने का, उस समय जो बिंदु इसमें शामिल किए गए थे उसके बाद में आर्थिक जो हमारा जो इकोनॉमिकल जो स्टेटस है, हमारी जो लाइफ स्टाइल है, हमारा जो जीवन स्तर है, तो वो प्रभावित निचले स्तर के लोगों को भी कर रहा है। जैसे आपने टीवी का जिक्र किया, मोबाइल आजकल हर एक गरीब तबके के आदमी के पास भी मोबाइल है, तो क्या वो जो बिंदु थे उनको कभी रिवाइज करने की कोशिश की गई ताकि वास्तव में पता लगे कि सर जब भी बीपीएल का जब भी बीपीएल का सर्वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा और राजस्थान सरकार द्वारा एक टाइम पीरियड के बाद किया जाता है जो सामान्यतः 5-6 साल होता है, तो प्रश्न रिवाइज किए जाते हैं। कोई जमाना था जब अंत्योदय लेके आए थे तो हमने कहा कि चौपाल पे बैठो गरीबी तय करो, फिर हमने देखा कि चौपाल पे सरपंच जी मुंह पे बोलने लग गए, और अब राजनीति का स्तर कितना गिर गया वो आप अच्छी तरह जानने लग गए कि हम हमारे प्रधानमंत्री का भी सम्मान नहीं करते। तो सरपंच खुलकर के बोलता है तुमने वोट नहीं दिया नहीं मिलेगा जाओ कर लो क्या करते हो, उसकी रिकॉर्डिंग तो हो नहीं रही है, कोई विधानसभा तो है नहीं और कमल स्वामी जी का शहर नहीं है जहां पर अब नगर निगम के आम सभा का भी सीधा प्रसारण किया जा रहा है। हमें पता पड़ता है कि हमारा जो एमएल जो हमारे वार्ड मेंबर साहब चुन के गए हैं वो वहां कर क्या रहे हैं और क्या भाषा बोल रहे हैं और कैसे बजट पे भाषण दिए जा रहे हैं और कैसे बजट की बात की जा रही है। सर एक गैप दिखाई देता है, बहुत बड़ा गैप, जो साधारण व्यापारी जिस तरह अपने बजट को बनाता है वो गैप जब हमारा वहां का वार्ड मेंबर बोलता है तो हंसी आने लग जाती है, यार बोल क्या रहा है भाई, क्या तुम्हारे पास अभी तो पैसे ही नहीं है बजट में कैसे डाला। अरे भैया सरकार से पैसा आएगा
आएगा, जिस दिन आएगा उसकी शर्तें हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे वो शर्तें पूरी करें तो पैसा आएगा, इसके बजट में प्रोविजन डाला। आज नहीं है लेकिन ये आएगा, सरकार ने कहा इतना इतना खर्च करोगे, 60% खर्च करोगे आप, आपके पास टोटल अवेलेबल फंड का 50% खर्च करोगे, जो पुराना आपको आज इस साल दिया गया उसका हम आपको इतना पैसा देंगे। पॉपुलेशन के अनुसार मिलने वाला पैसा तय होता है, स्कीमों से मिलने वाला पैसा आपके खर्चे पे डिपेंड होता है। तो जिस दिन इन लोगों का बाबत शुरू किया सरकार ने सोशल ऑडिटिंग, वहां बैठ करके सोशल ऑडिटर जाते हैं, सवाल पूछते हैं, भाई साहब जरा खड़े हो ना आप, फलाने चंद जी क्या नाम है आपका, कहिए जो कोई दिखाई देता है आम सभा में, कि जरा खड़े होइए, इतने रुपए की ये चीज बनी, कहां बनी जरा बताना, तो फिर वो जवाब देता है और उसके अनुसार सोशल ऑडिटिंग होती है। लेकिन सर मुझे मौका मिला ग्राम सभाओं में जाने का, और चूंकि उस समय प्रोजेक्ट डायरेक्टर कम डिप्टी सेक्रेटरी था, लिहाजा मैं ग्राम सभाओं में ज्यादा से ज्यादा जाता था गांव को पास से देखने के लिए, और मैंने एक बहुत बड़ी चीज पाई कि सरपंचों ने लोगों को बुलाना ही बंद कर दिया आम सभा में, और गांव में किस की राजनीति चलती है सर आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और गांव की क्या बात करें, कई प्रदेश ऐसे जब वोट देने नहीं जाने दिया जाता, तो गांव में तो ठाकर साहब के जमकर ठाकर से किसी जाति की बात मत करना, ठाकर से मेरा मतलब है जिसके हाथ में लाठी है, कहता है ग्राम सभा में नहीं आओगे, नहीं आओगे तो होगी सोशल ऑडिटिंग। तो मैं सब कुछ बदल देने वाली बात नहीं कर रहा, मैं जो बात कर रहा हूँ वो सिंपल एक बात कर रहा हूँ कि आप जैसे भी लोग जिनके प्रधान आपकी तरफ देखते हैं अपनी खबर के छपवाने के लिए भी और अपनी तारीफ करवाने के लिए भी, सरपंच आपकी तरफ देखते हैं, आप और हम, आप जैसे पत्रकारों ने, हम जैसे बुद्धिजीवियों ने, क्या है सरपंच है यार, छोड़ यार अपन एमएलए से नीचे क्या बात करें। लेकिन आज सरकार का 70% पैसा गांव में जा रहा है, और बेचारा एक प्रधानमंत्री हुआ हमारे यहाँ पर राजीव गांधी, जिसने कहा तो एक रुपया बेचता हूं तो 4 पैसा मिलता है नीचे, हमने उसकी मजाक उड़ाई, क्या बावड़ा है, लेकिन ये जीवन का बहुत बड़ा सत्य है सर। एक बार मैंने कैलकुलेशन करी कि इस पंचायत समिति को इतना रुपया दिया, इतना रुपया निर्माण कार्य में खर्च हुआ, और जितना रुपया निर्माण कार्य में खर्च हुआ उस निर्माण कार्य से संपत्ति अर्जित होनी चाहिए जो रिकॉर्ड में नहीं है। और एक लास्ट में करना चाहूंगा फिर बढ़ूंगा कि कैसे, आप पूछेंगे तब बताऊंगा कि कैसे परियोजनाएं बनती है लास्ट, लेकिन ये अटैक करना बहुत ज्यादा मेरे लिए जरूरी है। ये निश्चित रूप से आपने जो बात बताई है, परंतु मैं 2-3 बातें बीच में आपके बीच में लेना चाहूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं चर्चा हमारी आर्थिक पैकेज को लेकर हो रही है, और यहाँ पर एक अभी मतलब बिल्कुल लेटेस्ट आपको एक ताजी खबर आपको जानकारी दे दूं कि कोविड में अनाथ बच्चों को मोदी सरकार की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया है, केंद्र देगा उनको फ्री शिक्षा और मासिक भत्ता और 10 लाख रुपए का पैकेज देगा, जो अनाथ बच्चे हो गए जिनके माता पिता दोनों खो गए हैं, मतलब इस कोरोना काल के अंदर जिन्होंने मतलब अपने माता पिता को खोया है, उनको 10 लाख रुपए का पैकेज और मासिक भत्ता देगा, ऐसा सरकार ने केंद्र सरकार ने खर्चा किया, पीएम ये जो पैसा मिलेगा और ऐसा ही राज्य सरकार ने भी घोषित किया है थोड़ा बहुत, पीएम केयर फंड से मिलेगा 10 लाख रुपए की, इसमें मदद मिलेगी, 5 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा के लिए मिलेंगे और पढ़ाई के खर्च में बाकी पैसा पढ़ाई के खर्च में दिया जाएगा। एक और बड़ा समाचार निकल कर आ रहा है, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी भी हमारे साथ इस चैनल के अंदर जुड़ी हुई है, तो एक बड़ी खबर और निकल कर आ रही है, वो ये आ रही है कि यूपी में 10वीं बोर्ड के जो एग्जाम है वहाँ नहीं होंगे, 10वीं बोर्ड का जो एग्जाम है उसको न करने का फैसला कर दिया उन्होंने, उनको बच्चों को 11वीं क्लास के अंदर आत्महत्या प्रमोट कर दिया, ये क्योंकि जानकारी उन युवाओं के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग इस समय जो है बच्चे बहुत ज्यादा भी 12th का तो 1 तारीख को फैसला होगा, बंधु से 1 तारीख से फैसले होने से पहले निश्चित रूप से 10वीं क्लास का फैसला हो गया है जो यूपी सरकार ने किया है, निश्चित रूप से ये भी एक बड़ी बात थी जो दर्शकों को जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और निश्चित रूप से और कुछ कमेंट आ गए, मैं कुछ कमेंट भी लेता हूँ क्योंकि कमेंट के आसपास हम लोग चलेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग
कुछ जो दर्शक हैं सिर्फ गुड इवनिंग कर रहे हैं, महेंद्र जी गुड इवनिंग कर रहे हैं, विनय जी गुड इवनिंग गुड कर रहे हैं, बदेल सिंह जी कर रहे हैं, एक हमारे जो रोजाना हमारे दर्शक हैं विशाल जी जो हैं वो लिख रहे हैं कि वेरी गुड इवनिंग सर, मार्केट भी ओपन करना चाहिए क्योंकि हम अभी इलेक्ट्रॉनिक बहुत ही टेंशन में है, रिपेयर पेंडिंग है और सरकार कुछ पैकेज हर छोटे व्यापारी वर्ग को दे, और वो व्यापारी वर्ग के ऊपर छोटे व्यापारी वर्ग को देने की बात कर रहे हैं क्योंकि तो कहते हैं कि निश्चित रूप से हमारे पास काम तो है और हम काम नहीं कर सकते हैं, इस आपसे कहीं ना कहीं उनको पैकेज मिलना चाहिए। राज यादव जी गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग कर रहे हैं, और एक हमारे विक्रम जी हैं वो दिख रहे हैं कि सर सरकार विश्व हिंदू धोबी महासभा की ओर से प्रदेश सचिव हैं वो, पूरे राजस्थान में हमारे सभी समाज के लोग आर्थिक पैकेज की मांग कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया है, वे हमारी बातें आपको आगे पहुंचाएं, ऐसा उन्होंने निवेदन किया है कि सरकार को, क्योंकि निश्चित रूप से ये बात पहुंचे इसलिए ऐसा उन्होंने धोबी समाज के सभी वर्गों के सभी लोगों के लिए, धोबी वर्ग के लोगों के लिए उन्होंने निवेदन किया है। फुटवियर की शॉप कब खुलेगी? निश्चित रूप से फुटवियर की दुकान यदि पहली रात के अंदर जिस तरीके से आंकड़े कम हो रहे हैं, पहली रात में भी सरकार के अंदर मंथन जारी है, निश्चित रूप से आज नहीं तो कल तक ये सारी गाइडलाइन आ जाएगी क्योंकि 1 तारीख को ये बड़ा फैसला होना है, तो या तो 31 तारीख की सुबह या 30 तारीख की शाम को, यानी कल शाम को या परसों सुबह तक ये सारी जानकारी आ जाएगी क्योंकि मंथन का दौर चालू है और उसके बाद कहीं ना कहीं कैबिनेट मीटिंग होगी, उन सब चीजों के बाद में ये बड़ा निर्णय होगा। प्रशासनिक लेवल पे लोगों का ये मानना है, खुलने को लेकर ये मानना है कि जो खुलने के ऊपर प्रशासनिक लेवल कह रहा है कि जहाँ इतना आप लोगों ने तसल्ली करी है, तो उन्होंने कहा कि जो 8 तारीख तक का आपने जो लॉकडाउन लगाया है उसको 8 तारीख तक के लिए मेंटेन कर लें, और जो समय है उसके अंदर बहुत ज्यादा रियायत ना दें, रियायत देते भी हैं तो 1-2 घंटे की रियायत उनको और दे दें, जो लोग बहुत जरूरी हैं उन लोगों को 1-2 घंटे की रियायत दे दें, और उनको रियायत देने के ऊपर भी उन्होंने तरफ से मना की जा रही है कि उनको रियायत ना दें, परंतु कहीं ना कहीं ये पूरे शहर राजस्थान में तो नहीं परंतु कुछ जगहों पर इन सब चीजों के ऊपर बात आएगी। एक हमारे शर्मा जी लिख रहे हैं, फॉर ऑल इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द BPL should be linked with affidavit given by the good senior advocate and information found false information action shall be taken through court on time when the proper state rules and shall be formatted। इसके ऊपर भी हम निश्चित रूप से इस बारे में भी निश्चित रूप से जानेंगे, 2-3 हमारे कमेंट और हैं उनको ले लें। निश्चित रूप से गुड न्यूज, वो कह रहे हैं कि आपने जो विषय उठाया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज के हिसाब से कुलदीप जी निश्चित रूप से विषय के ऊपर कह रहे हैं कि बहुत नमस्कार गुरुदेव, वो आप दोनों गुरुदेवों को नमस्कार कर रहे हैं हमारे राजेश जी। जी गिरधर भाई साहब, असल में इस पर भी चर्चा करेंगे निश्चित रूप से, ऐसा तो हो नहीं सकता तो अनलॉक डाउन जो अनलॉक करने की जो प्रक्रिया उस पर भी चर्चा लेकिन आपको ख्याल में होगा, हमारे दर्शकों को भी ख्याल में होगा, जब कल के एपिसोड में हम जब चर्चा कर रहे थे तो चर्चा करते करते जब बिल्कुल जो है समय सीमा समाप्त होने लगी थी तब यकायक मैंने सवाल किया था व्यास जी को, मतलब मैं ये मान के चलता हूँ कि आप यदि चीफ मिनिस्टर हो या चीफ सेक्रेटरी हो और आपको ये जिम्मेदारी दी जाए कि भैया आर्थिक पैकेज कैसे पहुँचाया, मतलब बनाया जाए और नीचे के लेवल पर अलग अलग वर्गों से किस तरह से लाभ पहुँचाया जा सकता है, तो उस समय कौन बड़ा ने टोक दिया था कि बहुत बड़ा विषय इसलिए खोल लेंगे, तो मैं सोचता हूँ कि उस पर अपन पूरा फोकस रखेंगे। मुझे जो लगता है आशंकाएं अभी भी हैं, अनलॉक मेरे को लगता है ढंग से होगा या नहीं होगा, मेरे को संशय उत्पन्न हो गया, और उसके पीछे एक कारण ये भी है कि जैसा कि आपने कल बताया था कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि स्टेट के लेवल पर डिवाइड की जा सकती है गाइडलाइन में, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज और यहाँ पे जो कलेक्टर और एसपी है उनकी राय पे डिपेंड रहना पड़ेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि स्पष्ट रूप से गाइडलाइन में चीजें ठीक से इंगित नहीं की गई और स्थानीय प्रशासन को जिम्मेदारी दी गई, तो क्योंकि जो स्थानीय प्रशासन है वो बहुत फूंक फूंक के कलम रखता है, वो एक एक लाइन को पकड़ के चलता है, तो यदि ऐसा हुआ तो संभव है उतना राहत नहीं मिल पाए, एक बात। दूसरा, जो हम सोच रहे हैं भाई ये दुकान खुल जाएगी वो दुकान खुल जाएगी, लेकिन जब दुकान खुल जाएगी तो पब्लिक आएगी ना मार्केट में, तो आएगी तो वो अनलॉक हो ही गया पूरा, अब आप उसमें कैसे तय करोगे सर मैं तो कपड़े की दुकान पे जा रहा हूँ, फिर ठीक करना जा रहा हूँ, उसको तय कैसे करोगे,
वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम होने वाली है, उसको अपन फिर चर्चा करेंगे आगे। लेकिन मैं सोच रहा हूँ मूल विषय पे प्याज जी, थोड़ा आपकी कल्पना क्या है और गवर्नमेंट की क्या सीमाएं हैं, उसकी क्या आर्थिक स्थिति है और उसकी क्या लिमिटेशन है, वो कैसे इसको एग्जीक्यूट कर सकती है भी है कि नहीं कर सकती है, थोड़ा इस पे जानना आपका कार्यक्रम। मैं गोंजिया से मैं सरल भाषा में आपको बोल दूं कि मान लो जैसे गिरधर ने शब्द का इस्तेमाल किया, मैं आपको उत्तर ही, मान लो आपको आज की तारीख में आर्थिक पैकेज देने के ऊपर आपको ऑथराइज कर दिया जाता है, सरकार के पास में ऐसे कौन कौन से संसाधन होते हैं, ऐसे कौन कौन से संसाधन होते हैं जिससे ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचाया जा सकता है, इसके बारे में आप बोलेंगे तो निश्चित रूप से वो विषय भी रहेगा और लोगों तक मैसेज भी पूरा पहुंचेगा। जी जी गोविंदा सब सब सर धन्यवाद। सबसे पहली बात, यदि मैं हो जाऊं तो, और दुनिया कल्पना से ही आगे बढ़ती है, कहा है कि यदि कल्पना नहीं करेगा तो आदमी चांद पे भी नहीं पहुंचता, और कल्पना नहीं करता तो टीका भी नहीं बनता। और जीवन के इस संध्या काल में कोई मुझे ये कहे तो उत्साह से भर भी जाता हूं। मैंने अपनी पूरी नौकरी में एक चीज देखी, हमने लोगों को भिखारी बना दिया, टका डाल दिया बेचारे के हाथ में, अरे पकड़ खुश हो चल भाग, और इसका नाम दे दिया सब्सिडी। मेरा एक मानना है कि आदमी को आत्मविश्वास से भरा होना चाहिए, सरकार किसी भी तरह की छूट दे रही है तो वो ये कहे कि तेरे को ये फाइनेंस करा रहा हूं लेकिन इसका सारा लोन तो तू चुकाएगा लेकिन इंटरेस्ट मैं दूंगा। इसको सब्सिडी नाम मत दीजिएगा, गैस की सब्सिडी कहां गई, उसकी सब्सिडी कहां गई, इसकी कहां गई, उसकी कहां गई, ये सब्सिडी मिलेगी कि नहीं। मैंने कई जांचें करी, उन जांचों में और एग्रीकल्चर में विशेष रूप से ड्रिप इरिगेशन एक स्कीम आई थी, पता पड़ा कि दुकानदारों ने ड्रिप इरिगेशन आपको बेचा, मुझको बेचा, मैं किसान था, मेरे घर नहीं आया और मुझे कहा गया भाई साहब आपको 20,000 रुपए मिल जाएंगे, आप दस्तखत करो फॉर्म पे सैंक्शन करा लाता हूं। वो बिकाई नहीं और मेरे लिए बिक गया और मेरा नाम टारगेट में आ गया। तो ये जो सब्सिडी की स्कीम है सर, यदि मैं बन जाऊं तो खत्म कर दूं। और एक सीधी बात कहूं कि तेरा जितना इंटरेस्ट लगेगा, तो मकान बना बिल्कुल मकान बना, लोन तुझे चुकाना है, इंटरेस्ट मैं भरूंगा। एक बात। दूसरी बात, कुछ ऐसे वर्ग हैं, मुझे खुशी है कि पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात कही कि जो कोरोना में चले गए, जो बच्चे अनाथ हैं, उनके लिए हम इतना इतना पैसा देंगे, बहुत ज्यादा नहीं था लेकिन था, ग्रेजुएशन तक का खर्चा उठाने की भी बात की गई थी। और आज मोदी जी ने भी एक बात कही जो अभी आपने सुनाई, पर सर एक निवेदन करूं, बहुत विनम्रता के साथ निवेदन करूं, हम सरकार में बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, आज इस युग में समझ लेना चाहिए कोई बेवकूफ नहीं है। आपने कहा 5 लाख का बीमा देंगे, वो तो वैसे भी दे रहे हो भाई साहब आप, तो 10 में से 5 तो निकल गया, और 5 की गाइडलाइन आएगी तो पता पड़ेगा कि इस साथ दिया उस साथ ले लिया, या प्रधानमंत्री जी की चूंकि योजना है नीचे राज्य ने लागू ही नहीं करी। तो जो भी योजना आए स्पष्ट योजना आनी चाहिए, जनता को मूर्ख बनाने की आवश्यकता नहीं है। अरे ये है आज चिरंजीवी योजना जो राजस्थान में चल रही है, या प्रधानमंत्री जी की जो योजना पूरे देश में चलाई गई थी, जो आज यहाँ जो अब आप चिरंजीवी लेकर के आए हो, वह तो प्रधानमंत्री जी की योजना, तो वो दे दिया जो दे दिया, आगे बढ़ो ना भाई साहब। 3 चीजों की आवश्यकता होती है आदमी को, रोटी कपड़ा और मकान। आप क्यों नहीं इस बात की व्यवस्था कर देते कि कोई भी आदमी आराम से अनाज ले सकता है सब्सिडाइज रेट पर, और जैसे आपने तय किया 5 किलो गेहूं, 5 किलो या चावल या दाल, ये जो कुछ भी करना आप कह दीजिएगा, मुझ में गरिमा होगी नहीं मैं लेने नहीं जाऊंगा।
और गरिमा भी छोड़िएगा, मेरे पास पैसा होगा तो मैं बाजार से लेके आऊंगा, क्योंकि आपने भले ही मुख्यमंत्री निशुल्क योजना में दवा फ्री कर दी हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप और मैं वहां पे फ्री दवा लेने नहीं जाते, और आप और मैं नहीं बल्कि देश की, क्षमा कीजिएगा, प्रदेश की आधी जनसंख्या नहीं जाती। कैसे खत्म हो रही है वो उसका किसी और दिन विषय पे बात करेंगे, क्योंकि मेडिकल में रहा तो हमने पकड़ा भी कि क्या जा रही है दवाइयां, इनको छोड़ दीजिएगा। लेकिन आप जब एक अंतर करने लगते हो, किसी भी तरह का अंतर करने लगते हो, तो हर आदमी अपने पैसे थोड़े से, क्योंकि थोड़ा है थोड़े की और जरूरत है, ये गाना सही अर्थों में सही है। हमारी थोड़ी सी कमी तो हमें ऊपर नहीं जाने देती, और थोड़ी सी कमी हमको नीचे ले आती है। यदि मैं हूं तो मैं कहूं कि बिल्कुल अनाज के भंडार खुले हुए, इस भाव लो, जिसको जरूरत है लो, आपके विवेक पे निर्भर करता है। तो रोटी की समस्या हल हो गई, कपड़े की समस्या, आदमी के पहनने की समस्या, कॉपरेटिव सेक्टर में सैकड़ों नहीं हजारों मिलें ऐसी हैं जो कपड़ा पैदा करती हैं, टेरिकॉट का भी कपड़ा पैदा करती हैं, टेरेलिन का भी करती हैं, सूती भी करती हैं, उनको सरकार सब्सिडी दे रही है उन इंडस्ट्रीज को, उनका कपड़ा बाहर आ रहा है, लेकिन आपको सत्य निवेदन करूं, वो बाहर आता है और कोई ऊंचा उसको ले जाके अपने सील लगा करके बेच देता है। आप और मैं तो भीलवाड़े के पास बैठे हुए हैं ना सर, किसी मिल के कपड़े पे किस ग्रासिम का नाम लिखवा लीजिएगा, वो तैयार है, बशर्ते आप पूरा का पूरा एक लॉट लेने की कोशिश करो। तो हम उसको कहें तेरे को सब्सिडी दी ना भैया, तू कपड़ा बाजार में देगा, तू ऊन पैदा करता है ना, ऊन उत्पादक संघ वाला बाजार में आएगा, तिलम संघ वाला, तेरे को इतना पैसा वर्ल्ड बैंक का हमने दिलाया है, तू तेल बाजार में बेचेगा, इस भाव बेचेगा जो तेरे डिफरेंस आ रहा है, रोडवे से एक चीज सीखेगा। हमने कहा कैंसर का पेशेंट है, एक आदमी लेकर के साथ जाए, हमने कहा ये स्वतंत्रता सेनानी, एक आदमी लेके अपने साथ जाए, हमने कहा कि ये विकलांग है, एक आदमी लेके अपने साथ जाए, हमने कहा ये महिला है, इतने परसेंट इसको देना है, और सरकार उसको दे रही है। यहाँ अपमानित महसूस नहीं कर रहा आदमी, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं से पैसा सरकार से मिल रहा है। मैं कपड़े के मामले में भी और खाद्य तेल के मामलों में भी ये करने की चेष्टा करूंगा कि आपको कहीं जरूरत नहीं है, ये सब्सिडी तो दे चुके, आपको कहीं बेचोगे नहीं, आप सीधा हमारी होलसेल की जो दुकानें है उस पर लेके आओगे। आदरणीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने एक बढ़िया काम करने की कोशिश करी थी, और शायद उन्होंने टाई अप भी किया था किसी बड़े कॉर्पोरेट हाउस से, जितने राशन की दुकानें हैं उनको सेल्फ दुकानों में हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, वहां आटा दाल चावल और गेहूं नहीं मिलेगा, शक्कर नहीं मिलेगी, वहां पर कपड़ा भी मिलेगा, वहां पे टूथपेस्ट भी मिलेगा, वहां पे माचिस भी मिलेगी, वहां पे रोजमर्रा के सब सामान मिलेंगे। मुझे याद नहीं है, लेकिन वो बिग बाजार था शायद, कोशिश की थी, नहीं हो पाया। हम क्यों नहीं उसको मार्केट में, क्यों हमने ये कह दिया बीपीएल वाला ही वहां पे राशन लेने जाएगा, मेयर आप क्यों नहीं जा सकते? और मैंने कहा थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। आज बहुत सारे लोग, अदरवाइज मत लेना सर, 2800 रुपए का पीपा आ रहा है तेल का, और वो भी तेल का पीपा वहां पे मिल रहा है, तो पामोलिल ऑयल बहुत सारे लोग लेकर के काम चला रहे हैं, बेचारे चला रहे हैं, घर तो चलाना है ना, कह दिया कम छोंक के खाओ, बहुत तलने की आवश्यकता हो तो ये तेल ले लो, कॉस्ट कम हो गई कहीं ना कहीं। और तीसरी बात मैंने कही मकान की, मैं बिल्कुल ये कहने की कोशिश करूंगा कि भाई साहब इंटरेस्ट हमारा सरकार का, ये सब खत्म कर दो आप, इंदिरा आवास, फलाना आवास और ढीकड़ा आवास, पूछड़ा आवास, गांव का आदमी है, गांव का आदमी अपने तरीके से मकान बनाता है, उसकी कॉस्ट भी कम आती है, वो लेबर के रूप में खुद काम करता है। हम आज भी हमने तय कर रखा है इंदिरा आवास की कॉस्ट ये होगी, नक्शा ये होगा, रखिए
उसको कॉस्को नक्शे को उसको कहिएगा ये पकड़ तू पैसा, इसका जितना इंटरेस्ट है सरकार देगी और दे रही है आज। लेकिन आज सब्सिडी को हमने इतने भागों में बांट दिया कि हम भी पागल हो जाते हैं कि किसको किस में डाले। मैं जब शुरू में डीआरडीए में लगा था तो मेरे पहले समझ में नहीं आई ये एससी कॉर्पोरेशन के खाते डेबिट किया, ये एसटी कॉर्पोरेशन के खाते डेबिट किया, ये लोन अकाउंट में डेबिट किया, ये सब्सिडी अकाउंट में डेबिट किया। अरे मैं समझ ही नहीं पाता था। फिर जो अकाउंटेंट कहता वो करता था, खत्म करो यार इन सब चीजों को। सीधा एक सिद्धांत, इंटरेस्ट सरकार बियर करेगी, लोन आप बियर करोगे, आप अपने आत्मसम्मान से जीने की कोशिश करो, इस देश के नागरिक को जियो, मकान बनाओ सारा इंटरेस्ट हम देंगे, कपड़ा तेल घी ये यहाँ पर पड़ा हुआ कॉपरेटिव स्टोर से ला करके शक्कर के मिलों से हम लेते हैं। मैं आपको निवेदन करूं सर, मैं कॉन्फेड का जनरल मैनेजर था जहां सुहागे सुपर बाजार आते हैं, हम मिलों से लेकर के शक्कर लाते थे और इससे कॉस्ट बहुत कम आती थी, बाजार के मार्केट से 3/4 के आसपास 1/4 कमी आ जाती थी, जो होलसेल मार्केट की बात कर रहा हूं मैं। तो हम क्यों नहीं शुरू कर सकते? लेकिन इसके लिए वही कल मैंने जो बात कही जीरो बेस बस्टिंग के आधार पर आपको चलना पड़ेगा। ये जो फालतू की फौज आपने इकट्ठी कर दी ना, है ऐसे होता है क्या? उनको कोई भैसा नहीं होता, आप जरा यहां से पधारो आपको नाके पे लगा देते हैं, बिल्कुल नहीं होता। आप थोड़ा पधारो वहां पर, बाड़मेर जैसलमेर के अंदर तेल निकला है, अब कोई बाड़मेर खराब जगह शहर नहीं है, सारी सुविधाएं उपलब्ध है वहां पर, होटलें भी एसी से नीचे की नहीं है, वहां पधारो वहां बहुत काम है। वहां पर फोर्स के डेवलपमेंट के लिए जो केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही है उनमें काम करो, पधारो आप, और आपको हम पे विश्वास है तो यहाँ पे काम करो। सर कहीं ना कहीं ओबामा वाली स्कीम को लाना पड़ेगा, जहां फेडरल राष्ट्रपति अपनी टीम को सेलेक्ट करता है और नियम तोड़ दिया ओबामा ने। ओबामा ने कहा नहीं कुछ नहीं, बकवास बंद, जो काम करने वाला है उसको लेकर के आऊंगा, मैं जाऊंगा तो सब हट जाएंगे। और यही कारण है कि आज भारतवंशी लोग के इंग्लैंड में भी और अमेरिका में भी मिनिस्टर बनने लग गए हैं, देश के उपराष्ट्रपति अमेरिका की, वो कितनी देशी है उस पर मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन देश के उपराष्ट्रपति ये गर्व की बात है हमारे लिए। वो नाम कभी कोई ऐसा राष्ट्रभक्त भी आएगा जिसकी जिस जो जुड़ा हुआ होगा। मैं एक लड़की को जानता हूँ कमल जी, आपसे मैंने एक चर्चा भी करी थी, वो बच्ची आज वो बच्ची इंग्लैंड की मिनिस्टर है और कल उसका हाउस ऑफ लॉर्ड में नॉमिनेट किया गया, जैसे अपने राज्यसभा होती है वहां हाउस ऑफ लॉर्ड होता है, जिनको लॉर्ड कहा जाता है, बड़ा सदन होता है, उसमें उसको नॉमिनेट किया क्योंकि चुनाव लड़के नहीं लाना चाहते थे उसको। उन्होंने कहा इसकी प्रतिभा इतनी अच्छी है कि हम इसको मंत्री के रूप में नहीं खोज सकते और राजनीति में नहीं, उसको कहा कोई पार्टी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, आप बिना पार्टी के रहेंगे लेकिन मिनिस्टर रहेंगे और हम उनको लेकर क्या है। कहीं ना कहीं हमको ये सोचना पड़ेगा कि ब्यूरोक्रेसी में इस बात के बदलाव करने पड़ेंगे। आपको मजाक बना करके रख दी, मैं कल गर्व से ये बात कह रहा था कि ब्यूरोक्रेसी का मतलब है लोग आते हैं जाते हैं, हमें सरकार को चलाना है। हम तो इमरजेंसी लाइट है, मंत्री जी बीमार है तो भी सरकार चलेगी, चुनाव हो रहे हैं 4 महीने तक चुनाव में, 6 महीने तक चुनाव में मंत्री जी व्यस्त हैं तो भी सरकार चलेगी, और गर्व होता था इस बात पे, अब दुख होने लग गया है सर। जी बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने बोली हैं। इस बीच के अंदर दो बातें गिरधर से आ गई हैं, निश्चित रूप से वो मैं बात इसलिए चाहता हूँ कि वो दर्शक भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे और आपका आंसर भी मैं जानता हूँ उसी के बीच में ही होगा। निश्चित रूप से एक हमारे दर्शक हैं जो कि राहुल उबाना जी हैं, वो सर कह रहे हैं कि सर कोई भी आर्थिक पैकेज सीधे अकाउंट में डालना चाहिए क्योंकि जितनी भी बताई जाती है उतनी दी नहीं जाती है, फाइलों में कुछ और होता है और जमीन। एक मिनट वापस बोले सर, आवाज की कोई गड़बड़ हो रही है, थोड़ा वापस बोले हम। उन्होंने कहा सर कोई सा भी आर्थिक पैकेज मिले सीधे बैंक अकाउंट के अंदर आना चाहिए, यदि क्योंकि जो पैसे बैंक अकाउंट में यदि नहीं आते हैं, फाइलों में बात कुछ और होती है और हकीकत में जमीनी स्तर के ऊपर वो पैसा नहीं पहुंचता है, ऐसा राहुल उबाना जी लिखते हैं। और एक और दर्शक है वो लिखते हैं कि नियोक्ता को चाहिए
कि नियोजन को बीमा कराए ऐसी स्थिति में कि उन्हें बीमारी भत्ते का कानून बने, ऐसा उन्होंने लिखा है। जी जी गिरिधर, दोनों बातें बिल्कुल सही है, दोनों बातें सही है। इस तरह तो सरकार चल गई है, बहुत आलोचना हुई, लेकिन प्रधानमंत्री जिस बात के लिए धन्यवाद के पात्र भी हैं कि उन्होंने सख्ती से ये शुरू कर दिया कि बैंक में पैसा जाएगा, बाकी कहीं पैसा नहीं जाएगा। अपन इसके ऊपर डिस्कस करेंगे गोविंद साहब, गिरधर साहब के दिमाग में, क्योंकि मैंने बात इसलिए करी क्योंकि कहीं ना कहीं आप जब अपना प्रश्न पूछेंगे तो साथ साथ इस विषय को भी ले लेंगे। तो तरीके से जी गिरधर साहब बताए। मतलब मैंने आपको अभी आपका जो दार्शनिक स्वरूप था इकोनॉमी को लेकर के, वो आपका बिल्कुल साफ दिखाई दिया। मैं उससे थोड़ा और धरातल पर स्थूल सवाल करना चाहता हूँ कि आज विभिन्न वर्ग जो हैं, आज वर्तमान स्थिति में आपको अच्छी तरह जानकारी है कि जितने भी तबके के लोग हैं, इकोनॉमी के जो स्लैबी हम मानाएं तो संकट में है, किसको किस तरह की मदद की जरूरत है। और जैसे बिल्कुल जैसे बीपीएल वाले हैं या उसके ऊपर जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार हैं या छोटे दुकानदार हैं है, और उसके अलावा ठीक ठाक जिनकी पोजिशन है या अच्छे पैसे वाले हैं, तो हर व्यक्ति को किसी न किसी तरह से सहायता तो चाहिए। अब किसको कैसी सहायता दी जानी चाहिए, जैसे मान लो मैं बीपीएल की बात अपन करते हैं, तो हालांकि मैं तो ये नहीं कहता कि भाई सीधा उनको जो है 5,000 रुपये उनके बैंक खाते में डाल दूंगा, मैं नहीं कह रहा, लेकिन जो भी तरीका हो इसको पैसा देने का, भाई जैसे मान लो उसने अभी 2 महीने के डेढ़ महीने के अंदर उसने उधार लेके काम चलाया होगा, तो उधार कहाँ से चुकाएगा, तो उसको वो थोड़ी राहत मिल जाए, तो उस तरह से आर्थिक मदद मिल जाए उस व्यक्ति को। उसके ऊपर वाला जो है उसको मान लो बिजली और पानी के बिल में जो पेनल्टी लगती है उससे छूट दे दी जाए, तो अलग अलग स्टेजेस पे किस किस तरह की छूट मिल सकती है, मिलनी चाहिए। सर दो तीन, हाँ जी दो तीन बातें मैं निवेदन करना चाहूंगा। पहली बात तो मैं ये निवेदन करना चाहूंगा जो अपनी पुरानी बात में मैं छोड़ गया कि जितने कोरोना वॉरियर्स और जितने लोग कोरोना में चले गए दुनिया से, हम माने नहीं माने कहीं ना कहीं हम फेल हुए। मैं सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं हमारी बात कर रहा हूं कि हम एक व्यक्ति को बचा नहीं पाए। आज मैं अपने पिता की मृत्यु के बाबत सोचता हूँ, माँ की मृत्यु के बाबत सोचता हूँ, ताऊ जी की मृत्यु के बाबत सोचता हूँ, और अकेले में सोचता हूँ तो लगता है शायद ये करता तो ये हो जाता, ये करता तो ये हो जाता, ये करता तो ये हो जाता। और सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि कहाँ कमी रही। मैं ये नहीं कह रहा बहुत कमी रह गई, लेकिन कहीं ना कहीं कमी रही, तो उनके लिए एक आर्थिक पैकेज लेकर के आपको आना पड़ेगा, जैसा प्रधानमंत्री जी लेकर के आए, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, कोई ढंग का आर्थिक पैकेज आपको लाना पड़ेगा। आगे मैं बात करूं जो जिस पे आप बात कर रहे थे, मैंने लोन लेकर के अपने बिजनेस को चलाया, या यूं कहूं कि मैंने 2 नौकर इसलिए रखे कि ये चले गए तो फिर क्या होगा, जिस दिन खुलेगा लाऊंगा कहां से, तो मैं उनको घर बैठे तनख्वाह दे रहा हूं या घर पे बुला रहा हूं या जो कुछ भी कर सकता हूं वो कर रहा हूं। सरकार आर्थिक पैकेज के माध्यम से उसके खाते में इंटरेस्ट फ्री पैसा डाल दे। आज हमने हम बहुत आगे बढ़े, एक जमाना था हर चीज गजिस्टर्ड ऑफिसर से अटेस्टेड हो, अभी एक भाई साहब ने कहा कि सीनियर वकील से निकालो, अदरवाइज मत देना सर, नोटरी पब्लिक कैसे दस्तखत करते हैं। बहुत विनम्रता के साथ सम्मान पूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि नोटरी पब्लिक का केवल एक कहना है, मेरे सामने शपथ ली और ये मौजूद थे 2 साक्ष्य, उसकी क्या गलती है, उसका अधिकार भी इतना ही है कि मेरे सामने शपथ ली और 2 आदमी मौजूद थे। तो सरकार और आगे बढ़ी, उसने कहा नहीं सेल्फ असेस कीजिएगा, मार्कशीट खुद असेस कर दो, अटेस्ट कर दो, आपका कार्ड है आधार कार्ड खुद अटेस्ट कर दो, आपका राशन कार्ड खुद अटेस्ट कर दो। तो हम उस तरह बढ़ रहे हैं, तो हमें कई सारी जो लाल फीता चाहिए उसको छोड़ना पड़ेगा। और हम बहुत सीधी बात करें, हम हर बेरोजगार के 3,000 डालेंगे, मजा आ गया बेरोजगार को, हमने एक अकर्मण्य पैदा कर दिया, जो माँ बाप जिंदा है तब तक खाने के उसकी सब सुविधा, अचानक माँ बाप चले गए तो 3,000 रुपए पे मजे नहीं करेगा, भुगतेगा। तो व्यापारी के लिए हमको ये बात करनी पड़ेगी कि उसका जितना एक असेसमेंट प्रॉपर करके
के मोटा मोटा दो दो नौकर मोटी तनखा बाजार की ये होती है, या लेबर डिपार्टमेंट का फॉर्मूला सीधा सीधा कि डेली वेजेज वाले की ये, स्किल वाले की ये, इसकी ये, उस अमाउंट को लिया और उस अमाउंट को डाल दिया और कहा भैया ये लोन है, इसकी हम 36 किस्तें करते हैं, 3 साल में चुका देना और इंटरेस्ट बियर करते हैं हम केवल, तो एक पूंजी निकलेगी। अब आपका सवाल सर अगला आएगा कि रेवेन्यू रिसोर्सेज को कैसे इंक्रीज करें, सर सरकार भी कहां से लाएगी, कल आप बोल रहे थे कि साहब आगे तनख्वाह देने के भी पैसे नहीं होंगे, तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूं सर, और मेरा निवेदन बहुत सीधा है कि रेवेन्यू रिसोर्सेज को इंक्रीज करने के लिए आपके पास सोर्सेज की कमी नहीं है। ये सब बकवास है कि हम ये गाने गा रहे हैं कि सोर्सेज कम है, रेवेन्यू कम हो गई, दोहरा ही नहीं है, इसमें क्या बात है, जब सब बंद है तो रेवेन्यू कम होगी, लेकिन आपने सब जगह प्रोविजन कर रखे हैं कि आप उसको इंक्रीज कर देंगे। सरकार राज वसूली नहीं छोड़ता, केवल राजस्व की वसूली छोड़ता था, अकाल पड़ गया तो, पानी के अंदर जमीन आ गई तो, जब मैं रेवेन्यू बोर्ड में रहा तो मैंने बहुत बारीकी से देखा कि एक का रेवेन्यू होता कितना है, सर रुपए बीघा भी नहीं होता है, तो आपने क्या छोड़ दिया, किसी की 100 बीघा जमीन तो होगी नहीं, सीलिंग लॉ है हमारे यहाँ पर, तो साल के 75 रुपए छोड़ दिए और वाई वाई लूट लिया आपने, तो आपका सोर्स बहुत बड़ा रेवेन्यू का जमीन नहीं है, आपके रेवेन्यू के सोर्सेज हैं जो जमीन के बैंक पड़े हुए हैं। आज मेरा अपना मानना है और शुरू से मानना है, यदि किसी ने उठा करके बाहर भी जमीन दे दी किशनगढ़ से 5 किलोमीटर पहले, मैं आपसे सही निवेदन करता हूं ये शहर पुराने पड़ जाएंगे, वो शहर नया हो जाएगा, वहां सुविधा की आवश्यकता होनी चाहिए, वहां ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता होनी चाहिए। आप रेवेन्यू जुटाने के लिए दो काम क्यों नहीं करते हैं, एक काम आपके ओनरशिप का लॉ नहीं है, आपके टेनेंसी का लॉ है, लेकिन आप टेनेंसी को ओनरशिप में क्यों नहीं कन्वर्ट कर देते और लमसम पैसा लीजिएगा, ये रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स हो सकता है। आप जितने लोग एफिडेविट लीजिए नहीं लीजिए, विश्वास कीजिए, जिनके पास जमीनें नहीं है, आप पूरा का पूरा, मैं जब जयपुर में ट्रांसफर होकर के गया, मानसरोवर नाम की कॉलोनी जंगल में थी, मैं भी मकान देखने गया वहां पर, और यार इतनी दूर कौन आएगा, आज मानसरोवर हार्ट ऑफ द सिटी है, जयपुर शहर के 4 दीवारी से लोग निकल गए, वहां पर केवल जोरी व्यापार करने के लिए जाता है, गाड़ी खड़ी करने की भी जगह नहीं, वो भी रामनिवास बाग में खड़ी करता है। तो कहीं न कहीं आप एक नया शहर, जो अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि शहर के पास के कस्बों को डेवलप करके शहर में कन्वर्ट कीजिएगा, वहां पर को ऑनरशिप का लेकर के फॉर्मूला लेकर के आइएगा। क्यों नहीं लेकर के आते हैं को ऑनरशिप का फॉर्मूला, आप सोलर को क्यों नहीं प्रोत्साहित करते हैं, योजना फेल कर दी मोदी जी ने, कहा आपके जमीन पे कुछ नहीं है, सोलर लगा दीजिएगा, उस गांव को रोशन करिएगा, हम बिजली हम खरीद रहे 100%। तो रेवेन्यू रिसोर्सेज को डेवलप करने की हर क्षेत्र पे विचार विमर्श किया जाए तो तरीका है हमारे पास, लेकिन कहीं ना कहीं हम उस पर ध्यान, दुनिया में बहुत काम है, जब वक्त मिलेगा तब बैठेंगे। लोग, मैंने कईयों को लोगों को सुना, सर आप सुबह सुबह पूजा करते हो, अच्छी बात है सर, वक्त ही नहीं मिलता हमको, तो साहब हम तो भगवान के सामने एक अगरबत्ती जला लेते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, श्रद्धा की बात है, बिल्कुल बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन वक्त आखिरी दिन तक भी नहीं मिलना है। तो सरकार को रेवेन्यू रिसोर्स के लिए सोचने के लिए वक्त निकालना पड़ेगा। और सर मैं निवेदन करूं, जो हारा हुआ उससे बात कीजिएगा, आप ये जमीन के जो बड़े सौदागर हैं उनको छोड़ दीजिएगा, उनका उनकी सलाह लीजिएगा, लेकिन वो जिसके पास जमीन नहीं है उससे बात कीजिएगा,
और ट्रांसपोर्टेशन आपके हाथ में, नगर निगम को आपने दे रखा है ACTSL, आप कहिएगा कि ये बस वहां तक जाएगी, जाएगी तो मैं रोज आऊंगा अजमेर और वापस चले जाऊंगा, कितनी सी दूर है, 20 बंबई में आदमी 3 घंटे ट्रेवल करता है, कम से कम वर्ड का यूज कर रहा हूं मैं, तो अजमेर वाला क्यों नहीं ट्रेवल कर सकता, जयपुर वाला क्यों नहीं ट्रेवल कर सकता, क्यों महानगरों पे हम बाहर बढ़ा रहे हैं? सर मैं अपनी बात को और आगे बढ़ाना नहीं चाहता, आपके प्रश्नों के आसपास रहना चाहता हूं। जी बिल्कुल निश्चित रूप से जी गिरदा था बताएं। नहीं बिल्कुल ठीक है, थोड़ा इस पे और थोड़ा सर पे क्या हो सकता है, मैं एक्चुअली में थोड़ी सी दिशा दे दूं, कहीं ना कहीं इन सब चीजों के अंदर से कहीं ना कहीं जो जो एक व्यक्ति को चाहिए, मैं आपको सीधा अपन उसके ऊपर सीधा आ जाते हैं, जहां एक बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़ी कंपनियां यानी कि जो कि कहीं ना कहीं इंडस्ट्री चला रही है, जिसको इंडस्ट्री चलाने के लिए बाध्य भी किया जा रहा है, उसका माल बन के तैयार है, परंतु उनके जो स्टाफ को जो तनख्वाहें देनी होती, तनख्वाहें देने के लिए वो पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रहे, उनको तनख्वाहें तो दी जा रही है परंतु उनकी PFESI का जिस तरीके से पिछली सरकार के अंदर पिछला जब लॉकडाउन लगा था तो PFESI के अंदर छूट दी गई थी, तो PFESI की छूट देने की वजह से वो जो कर्मचारी है वो भी सर्वाइव कर गए, और उसके अलावा जो कंपनियां थी, जो कंपनियां जो बड़ी औद्योगिक इकाइयां थी वो भी सर्वाइव कर गई, कहीं ना कहीं उस तरीके के ऊपर सरकार को सोचना चाहिए। दूसरा कहीं ना कहीं जो ठेले चलाने वाले लोग हैं, जो जीवन में रोजमर्रा जीवन के अंदर अपनी जीवन को चलाते हैं, उनके ठेले से रोजगार टोटल बंद कर दिया गया, ऑटो के जो लोग हैं उनके ऑटो के लोगों को रोजाना की स्थिति के अंदर उनका रोजगार बंद कर दिया गया, कहीं ना कहीं वो BPL की श्रेणी में नहीं आते हैं, नहीं किसी और श्रेणी के अंदर आते हैं, परंतु उसकी जीवन के अंदर स्थिति यह है कि वो कहां से पैसा लेके आवे और कहां से जमा करावे, उसकी स्थिति इस तरीके से विकट है, कहीं ना कहीं उनके बारे में सोचना चाहिए। कोई छोटे व्यापारी हैं, छोटे मैकेनिक हैं, जिनको काम तो मिलने को तैयार है परंतु बाजार में उसको निकलने के लिए सरकार की तरफ से पाबंद किया गया है, वो बाजार में नहीं निकल पा रहे हैं, ऐसे कई सारे कर्मचारी हैं जो कि रजिस्टर्ड भी नहीं है सरकार के पास में, परंतु लोग हैं काम कर रहे हैं, किसी तरीके की उनके ऊपर मॉनिटरिंग नहीं है, कभी उनको किसी तरीके से किसी श्रेणी में लेने का प्रयास नहीं किया गया है, क्या उनके ऊपर सरकार सोचेगी, क्या ऐसे लोगों के बारे में सोचेगी जो छोटा व्यापारी है, मोहल्ले में दुकान है या बाजार के किसी क्षेत्र में दुकान है, उसके दुकान के ऊपर कर्मचारी है, वो रजिस्टर्ड की दृष्टिकोण से वो रजिस्टर्ड है, वो दुकान उसके 2 कर्मचारी रजिस्टर्ड है, उनको तनख्वाहें वो दुकानदार कहां से देगा, उस तनख्वाहों के हिसाब से उस व्यापारी के साथ साथ व्यापारी खुद परेशान है पैसों को लेकर, वो कर्मचारियों को तनख्वाहें कहां से देगा, क्या इसके ऊपर सरकार सोचेगी, क्या सरकार सोचेगी कि कहीं ना कहीं जो गरीब तबके का व्यक्ति है, जिसको आप कुछ आटा देकर और कुछ गेहूं देकर और कुछ आटा कुछ अपने कुछ दाल देकर उसको आप समझते हैं कि उनका सारा सब कुछ आपने जीवन यापन कर लिया, क्या उन्हें पैकेज दिया जाएगा, क्या ऐसे लोगों को पैकेज दिया जाएगा जो कि कहीं ना कहीं इस स्थिति में है कि उसने अपने जीवन के अंदर कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया परंतु आज वो अपने परिवार को पालने लायक स्थिति में नहीं है, वो अपनी किसी को व्यथा नहीं बता सकता है, उसने अपने घर में टीवी तो लगा लिया, कर्जे से ले आया पैसा टीवी भी, क्योंकि जीवन के छान शौकन की वजह से उसको टीवी लगाना जरूरी हो गया, उसको फ्रिज लगानी जरूरी हो गई क्योंकि फ्रिज के बगैर उसके बच्चे को दिक्कत आ गई, उसने अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए बड़े स्कूल के अंदर भर्ती करा दिया क्योंकि स्टेटस सिंबल की वजह से उसने वहां पर भर्ती करा दिया, वो कहां से लाएगा पैसा, इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं विचार सरकार को करना पड़ेगा। यदि सिर्फ वो लोगों के बारे में सोचेंगे कि सिर्फ BPL है, क्या आपके घर में टीवी है, टीवी तो निश्चित रूप से हर घर के अंदर है, मैं कहता हूं कि हर हाथ में मोबाइल है, हर घर के अंदर टीवी है, निश्चित रूप से सभी स्थितियां हैं, जहां खाट के ऊपर आदमी गांव में सोया करते थे, मैं भी इन दिनों गांव के अंदर जाके आया हूं, मैंने देखा उनके घर में पलंग लग गए, परंतु उनकी स्थितियां निश्चित रूप से कुछ अच्छी स्थिति है, परंतु कई ऐसे लोग हैं जो आज भी पेड़ के नीचे सो रहे हैं,
उनकी स्थितियां आज भी स्थितियों में नहीं है। निश्चित रूप से जब बरसात आ जाती है तो उनके जो छत होती है उसमें छत में से पानी रिस कर उनके घर में घुस जाता है, उनकी स्थितियां बड़ी विकट है। क्या सरकार हम गरीबों के नाम के ऊपर सिर्फ वोट ही मांगते रहेंगे कि हम गरीबों के नाम पे सिर्फ गरीबी को हटाने की बात करके हम लोग वोट मांगते रहेंगे? हम सामाजिक दृष्टिकोण से सामाजिक उत्थान के नाम के ऊपर वोट मांगते रहेंगे? क्या हमारा नैतिक दायित्व तो नहीं बनता है कि इस समय जो व्यक्ति के उस समय भूख मर रहा है, जिसकी भूख की स्थिति है, जो किसी के सामने रो नहीं सकता है, क्या उसके लिए सरकार को कुछ नहीं सोचना चाहिए? कौन सोचेगा इसके बारे में? निश्चित रूप आवाज हम लोग उठाएंगे, कहीं ना कहीं आवाज हमारी बनेगी और निश्चित रूप से पहुंचेगी। आज एक धोबी समाज के एक व्यक्ति ने बात लिखी है, ये बात बिल्कुल सही है। जब धोबी खाने के ऊपर सुबह से लेकर शाम तक इतने कपड़े धुआ करते थे, इतने लोगों के कपड़े धुल के आते थे, धुलते थे वहां पर, क्या उसके घर में रोजगार के अंदर वो कहां से कपड़े धोएगा? प्रेस नहीं करेगा तो कैसे अपना परिवार चलाएगा? वो 5-5 रुपए प्रेस करके अपनी पूरी जिंदगी काटता था, क्या उसके बारे में कौन सोचेगा? निश्चित रूप से उसके बारे में कोई सोचने वाली बात नहीं है। हम निश्चित रूप से किसी जगह पे थोड़े समृद्ध हो गए, कहीं ना कहीं हम लोगों वर्किंग हो गए, हम मिडिल क्लास में भी अपर मिडिल क्लास के अंदर बोलने लग गए, परंतु जब अपर मिडिल क्लास का रोना किसके सामने रोए, बोलने की स्थिति उसकी भी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर भी अंदर तकलीफ कितनी है, वो तकलीफ किसी के सामने रो नहीं सकता है, क्योंकि वो रोएगा तो निश्चित रूप से उसके रोने के ऊपर समाज उसका करेगा। मैं कहता हूँ आज ये खत्म हो जाए कोरोना की स्थिति, उसके बाद जो स्थिति आएंगी, निश्चित रूप से गोविंद राय साहब आपने भी एक तरफ इशारा किया था और गिरधर तेजवानी जी ने भी इस तरफ इशारा किया था, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही थी, दोनों ने वो बात कही थी, ये कोरोना समाप्त हो जाएगा, परंतु आर्थिक स्थिति के ऊपर जो व्यक्ति गरीब था वो और गरीब हो जाएगा, और जो मध्यम क्लास है वो मध्यम क्लास और गरीब वाली स्थिति के अंदर आ जाएगा, उसकी स्थिति नहीं, परंतु जहां पैसा कमाने वाले लोग हैं, जो अपने को अवसर को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, वो अवसर के हिसाब से पैसे को डबल सिग्नल और चौगना स्थिति के अंदर ले जाएंगे। आप ये देखिए, जो मोबाइल है जिसके जरिए से आप और हम चल रहे हैं, इसके इंटरनेट के बारे में सोचिए कि उनके ग्रोथ, वोडाफोन और बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर पैकेज के ऊपर ग्रोथ मिल गई उनको, उनके 22% और 18% तक की ग्रोथ उन लोगों के ऊपर पहुंच गई। अब ये सोचिए, वो यदि उनके पास पैसा आया है तभी वो ग्रोथ दे पा रहे हैं, यदि उनके पास पैसा नहीं आता तो ग्रोथ नहीं देते। इनके बारे में निश्चित रूप से सोचना पड़ेगा, जो कहीं ना कहीं हम लोग उन परिवारों के बारे में, जो ऑटो वाले, कुली, जो आपने रेलगाड़ियां तो बंद कर दी, परंतु रेलगाड़ियों की बसों की स्थिति क्या होगी, उन कुलियों का रोजमर्रा की जिंदगी कहां से निकलेगी? जो आपने धार्मिक स्थल बंद कर दिए, उन धार्मिक स्थलों के पास में चलने वाली जो दुकानें हैं, जो अपना पूरा जीवन यापन वहां पे करते थे, जिन्हें 90-90 हजार रुपए किराया देकर अपनी जीवन को निकालते थे, वो उनको दुकानें भी खाली करनी पड़ेगी और वो अपना जीवन यापन करने की स्थिति होगी। उनके 4-4 दुकान के ऊपर नौकर थे, आज मैं आपको बताऊं, मेरे को बोलते हुए शर्म आती है, मैं जिस दुकानदार की बात करूं, वो जोमेटो की कल सर्विस कर रहा था, मेरी स्थिति देखने लायक स्थिति थी कि उस आदमी 300 रुपए के लिए, जिसके पास में 4 नौकर थे, 90 हजार रुपए की पेमेंट देता था, उसकी स्थिति निश्चित रूप से इस तरीके की स्थिति आ गई। कौन सोचेगा इनके बारे में? सरकार नहीं सोचेगी, जनप्रतिनिधि नहीं सोचेंगे, कौन सोचेगा इनके बारे में? और निश्चित रूप से सरकार के अंदर जो काम करने का सिस्टम होता है, वो कहीं ना कहीं आरएएस अधिकारी और आईएएस अधिकारी और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रशासनिक स्तर के ऊपर सारी सब चीजों के ऊपर कार्य को किया जाता है, कहीं ना कहीं बाउंडेशन होती है, कई सारी रुकावटें होती है, कई सारी फाइलें निकालने में दिक्कतें होती है, परंतु कहीं ना कहीं ये फाइलें निकल जाएंगी। तकलीफें जिनकी है उनके दर्द को समझना पड़ेगा, यदि उनके दर्द को हम लोगों ने नहीं समझा तो निश्चित रूप से बता देता हूं मैं आपको कि आने वाला समय निश्चित रूप से चोरी का, डकैती का, और कहीं ना कहीं मैं आपको बोलूंगा, कहीं ना कहीं आदमी डिप्रेशन की स्थिति के अंदर आ जाएगा। जब आदमी डिप्रेशन की स्थिति के अंदर आ जाएगा तो अपने जीवन को किस तरीके से वर्किंग करेगा? जो आप नए नए बोलते हैं कि स्टार्टअप लेके आओ, स्टार्टअप स्टार्ट करो, क्या स्टार्टअप करेगा वो आदमी जिसको स्थिति ये है कि वो अपने जीवन के अंदर उन बच्चों की स्थितियों के बारे में सोचिए कि जो स्टार्टअप के अंदर अपने जीवन को कहीं खड़ा करने की स्थिति में था, वो कहीं खड़ा नहीं कर पाएगा। स्टार्टअप के लिए फाइनेंस की सिस्टम के जो लोकोना है, मैं अपने गिरधर भाई साहब और गोविंद जी साहब, आपको सब चीजों का सिस्टम मालूम है, कहीं ना कहीं बात करना बहुत आसान होता है,
जैसा अभी भाई साहब ने एक बात बोली कि पैकेज के नाम पे 10 लाख का पैकेज दे दिया, 5 लाख का पैकेज तो वही, और 5 लाख का पैकेज देने के अंदर कई तरीके की प्लस माइनस स्थिति आएंगी, उसके हाथ में क्या मिलने वाला है, ये बिल्कुल निश्चित वाली बात है। इन सब चीजों के ऊपर बैठ मरेगा, धरातल में उन सब चीजों को उतारना होगा, और धरातल को उतारने के लिए निश्चित रूप से हम लोग मिलकर कहीं ना कहीं ऐसी वर्किंग करें, कहीं ना कहीं हमारे लोग हमारे इन सब चीजों के अंदर इन सब चीजों के ऊपर आ गया है, तो निश्चित रूप से इन सब चीजों के ऊपर होगा। दर्द के लिए सब लोगों को साथ आना पड़ेगा, दर्द के लिए अकेला व्यक्ति कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, दर्द जिसका है उसके साथ खड़े हों, किस तरीके से साथ खड़े हों, निश्चित रूप से सब चीजों के ऊपर वर्किंग करेगी। मैं कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम को एक, क्योंकि समय की भी मर्यादा है, समय समाप्त हो रहा है, मैं निश्चित रूप से क्योंकि समाप्ति की ओर है, और निश्चित रूप से मैं निवेदन करूंगा कि गोविंद भाई साहब के ऊपर अपनी बात को रखें, और निश्चित रूप से फिर उसके बाद में निर्धर रखूंगा गिरधर भाई साहब रखें, तो इसको फिर हम समाप्ति की ओर ले जाए, परंतु कहीं ना कहीं किस सब चीजों के ऊपर अपने को केंद्र बिंदु रख के आप रखें तो बहुत अच्छा लगेगा। जी 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 गोविंद भाई साहब, निश्चित रूप से ये बात बिल्कुल, बड़ा दर्द यदि किसी आदमी का है तो वो आदमी जो वास्तव में दुनिया को अपना दर्द नहीं बता सकता। और एक बहुत बड़ा आपने उदाहरण दिया कि 90,000 रुपए किराया देने वाला आदमी 300 रुपए का काम कर रहा है खुद जमाटो पर जाकर के, ये बहुत शर्मनाक स्थिति आ चुकी है। और इस स्थिति से उबरने का मैंने आपने चूंकि कहा कि मैं बन के क्या करूं, तो मैंने आपको बताया आप इन सबको इन एक कैलकुलेट कीजिएगा, और कैलकुलेशन का आधार स्पष्ट है बिल्कुल भी कि कितने आप, अब सबको मानिए 2 नौकर थे उसके, 2 नौकर का लेबर के हिसाब से 2 महीने का ये पेमेंट हुआ या महीना भर जो भी लॉकडाउन चला, उतना अमाउंट आप उसके डाल दीजिएगा। 2 इंस्टीट्यूशन बनी थी, एक बैंकिंग के इंस्टीट्यूशन और एक कोऑपरेटिव बैंक की इंस्टीट्यूशन। कोऑपरेटिव बैंक का जो इंटरेस्ट था वो ज्यादा था लेकिन अमाउंट कम था, इतने रुपए तक का लोन कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन देंगे, ये राज्य सरकार के हाथ में ही है। आपने देखा होगा जब चुनाव होते हैं वो कहते हैं इतने रुपए का लोन माफ, और वो लोन बैंकों का नहीं होता, कोऑपरेटिव बैंक का हो जाता है, क्योंकि हम ही पैसे देने वाले हैं, हम ही लेने वाले हैं, तो हमने कहा माफ किया, घाटे में डाल दे भाई तू, और धीरे धीरे रिजर्व बैंक उसको खत्म कर देता है बैंक को। तो आपको आपके कोऑपरेटिव बैंक के, आपको कोई केंद्र सरकार को तरफ देखने की जरूरत नहीं है, आपके कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से सरकार ये लोन उठाए और उनके खाते में डाल देवे, इस शर्त के साथ 36 किस्त 42 किस्त जो सरकार तय करे तुमको वापस चुकाना है। तो आत्मसम्मान के साथ वो जिएगा, आत्मसम्मान के साथ जिएगा। और एक जो चीज आपने उठाई थी कि ईपीएफ और एस में ये स्टेट इंश्योरेंस को, ये ईएसआई को, सॉरी ईएसआई को मैं छूट प्रदान कर दी जाए, बिल्कुल छूट प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि लेकिन ये देना तो पड़ेगा सर, इसलिए देना पड़ेगा कि ये उसके यहाँ काम करने वाले कर्मचारी का इंश्योरेंस है, ये उसके यहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी जब रिटायर्ड होगा कहीं से भी 100 जगह नौकरी करके, तो उसका एक खाता है, एक लमसम अमाउंट उसको अपने बुढ़ापे के लिए देना पड़ेगा। तो इसको माफ नहीं किया जाए, इसका वसूली रखी जाए, हाँ स्थगित कर दिया जाए इसको, ये बात कहना चाहूंगा। और मैं एक निवेदन करूं, एक बहुत बड़ी बात रविंद्रनाथ टैगोर ने कही थी, और यहीं से अपनी बात को विराम देने की चेष्टा करूंगा। हे प्रभु, और ये गीतांजलि की एक बहुत अच्छी कविता जो मुझे जिंदगी भर लगी वो ये लगी, हे प्रभु मैं ये नहीं कहता कि तू मुझे संकट मत देना, मैं ये नहीं कहता तो तू मुझे कष्ट मत देना, लेकिन एक काम करना, उस संकट पर उस कष्ट पर विजय की ताकत देना, और वो जय मेरी नहीं होगी, वो जय तेरी होगी, और तेरी जय बनी रहे इसकी कामना करता हूं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमें बहुत संकट मिले लेकिन सॉल्यूशन है हमारे पास, सोचने की जरूरत है, आम आदमी सॉल्यूशन बता सकता है, पर अरे ये क्या है, हटा इसको, ये कहो अरे इतना सा छोटा आदमी ये क्या जानता मेरे सामने। हमें ये मानना पड़ेगा कि प्रतिभा उम्र, प्रतिभा एक्सपीरियंस, प्रतिभा लंबे समय तक काम करने की गारंटी नहीं है, प्रतिभा तो ईश्वर जनित चीज है, उस प्रतिभा का हम फायदा उठाएं और दुनिया में
हिंदुस्तानी आदमी को गाली दे लीजिएगा और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से लेके हिंदुस्तान के पुराने प्रधानमंत्रियों को भी गाली दे लीजिएगा, लेकिन यदि आज ब्रेन है तो सॉफ्टवेयर में हिंदुस्तान के मुकाबले कोई देश आगे नहीं आ पाया। हार्डवेयर में है चाइना, सॉफ्टवेयर में नहीं है। अमेरिका में जिस दिन हिंदुस्तानी बाहर निकाल दिए जाएंगे उस दिन वहां का मेडिकल खत्म होना है, उस दिन वहां का सारा सॉफ्टवेयर का काम, ये जितने ऑनलाइन काम चल रहे हैं एकदम बंद हो जाने हैं। मैं इस कामना के साथ कि मैं तो ये नहीं कहता कि देश हमारा देश विश्वगुरु बने या सोने की चिड़िया बने, क्योंकि जब सोने की चिड़िया बनता है तो वो आप वाली बात के 12 से 6:30 बजते ही है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि मार्गदर्शक एक ऐसा होता है। एक जमाना था जब राजा अपनी बेटी की शादी एक ऋषि से करा करता था, और ऋषि कोई ब्राह्मण नहीं, ऋषि वशिष्ठ ब्राह्मण नहीं था, उससे करा करता था, क्योंकि वो मानता था कि राज आएंगे चले जाएंगे, कोई विजेता बनेगा कोई पराजित होगा, लेकिन ये ऋषि हमेशा सम्मानित रहेंगे। और राम की बहन शांता का विवाह भी एक ऋषि से हुआ था जिसे पुत्रष्टि यज्ञ करा करके दशरथ को पुत्र रत्न की प्राप्ति कराई थी, 4 पुत्र रत्नों की। इसलिए ये देश ऋषियों का देश बने, और ऋषि का मतलब तपस्या करने वाले लोग नहीं, जो ज्ञान देने वाले लोग हैं, जो एडवाइस देने वाले लोग हैं, उनका देश बने जो है आज। इसी कामना के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं, और मैं चाहूंगा कि आपको तेजवानी साहब को और सुनूं। जी गिरधर भाई साहब, जी जी मैं वापस मौलिक जहां से हम शुरू हुए थे वहां पर आना चाहूंगा। असल में हम जो चिंता कर रहे हैं जिसमें एक्चुअली आर्थिक पैकेज की जब बात आती है तो निश्चित रूप से बीपीएल और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार पर ध्यान केंद्रित होता है, बावजूद उसके हमने सभी वर्गों को किस किस तरह से राहत दी जा सकती है उसे विचार किया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हम जिन लोगों को आर्थिक पैकेज देने की बात कर रहे हैं, मैं राज जी को बिल्कुल सहमत हूँ, उनकी जो फिलोसॉफी है उनका जो दर्शन है कि हम आदमी को भिखारी बना रहे हैं वो वाकई गलत है, वो हम गलत दिशा में जा रहे हैं। आदमी को कर्मठ बनाइए ना, कर्मशील बनाइए ना, हम उसको दे दे के उसको आदत गंदी कर रहे हैं, वाकई बहुत गलत है। लेकिन ठीक है, हमारे देश में चल पड़ा है, मुझे ख्याल आता है एक बार बॉम्बे में ऐसा चला कि इन सारे भिखारियों को काम पे लगा तो भैया कोई बहुत बड़ा पुल बन रहा था, उन सारे जितने भिखारी हैं शहर के सारे उनको पकड़ के लाओ, उनको काम पे लगाओ, ये रोजाना के भीख मांग रहे हैं, पकड़ के लाए गए पुलिस के माध्यम से, उनको काम पे लगाया गया, दूसरे दिन सारे भाग गए, बातों वही भीख मांगने लगे। तो जब आराम से आदमी को खाने को मिल रहा है तो फिर काम क्यों करेगा? तो ये प्रवृत्ति जो हम भिखारी बनाने की कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। लेकिन हम एक्चुअली फोकस इस पर कर रहे हैं, मुझे दुख है इस बात का कि आज हम उस तबके पर विचार कर रहे हैं जो भिखारी नहीं है, असल में वो कर्मठ है। आज वो मजदूर जो रोजाना कमा के खाता था वो भीख थोड़ी मांग रहा था आपसे, वो आपसे कोई उम्मीद नहीं कर रहा था, सरकार से कोई उम्मीद नहीं कर रहा, बड़े मजे से अपनी रोजी रोटी कमाता था, खाता था। लेकिन क्योंकि लॉकडाउन है और उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है तो हमें विचार करना पड़ता है कि इसको किसी को मदद की जानी चाहिए। बाकी मैं जानता हूँ कि बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिसको सरकार की मदद की जरूरत नहीं है, जैसे आप अनलॉक कीजिए देखिए सारे के सारे मजदूर और छोटे छोटे जो दुकानदार हैं अपने काम धंधे पे लग जाएंगे उनको, और खुद ही कमाएंगे खाएंगे, उनको किसी की परवाह नहीं। तो ये जो स्थिति बनी है कोरोना की वजह से बनी, लॉकडाउन की वजह से बनी है, और यदि इस संकट काल में हम यदि कुछ आर्थिक पैकेज दे पाए उस तबके को तो थोड़ा खड़ा हो जाएगा, बाकी नहीं तो भीख मांगने के तैयार नहीं, वो तो काम करने को तैयार। मेरा सिर्फ इतना ही संदेश कहना था कि सरकार को जो है इस पर थोड़ा विचार करना चाहिए ताकि हमारा जो निचला तबका है वो वापस थोड़ा अपने उसकी जो जिंदगी है थोड़ी पटरी पे आ सके, मैं तो यही दुआ करता हूँ। जी निश्चित रूप से आपने दोनों ने ही बहुत ही मुख्य सुझाव दिए हैं जिसमें कोई दोहराय नहीं है, और स्वामीन्यू ये नहीं कहता है कि आप आर्थिक पैकेज के अंदर उनको कोई किसी तरीके से आप दान दे दो, वो दान देने के लिए कहीं तैयार भी नहीं, स्वावलंबन के नाम पर उनको इस तरीके का कुछ पैकेज मिले, कुछ इस तरीके का पैसा मिले जिससे वो अपने जीवन के अंदर उसको भले रिटर्न आप ले लो, भले उसको वापस लेना आप वापस ले लो, परंतु कहीं ना कहीं इस समय वो कहीं ना कहीं सभी तरफ नजर घुमाए हुए है, क्योंकि जब आदमी के पास आवक नहीं होती है तो निश्चित रूप से उसका ध्यान सारा उधर जाता है, कहीं ना कहीं उनकी तरफ ध्यान जाता है जिनके ऊपर उसको उम्मीद होती है वापस रिटर्न देने की बात के ऊपर कम्युनिटी कहीं किसी तरीके से इनकार नहीं करता है, परंतु निश्चित रूप से कुछ ऐसा वर्ग भी है
जो आप उसको यदि उसके ऊपर कर्जे पे फिर कर्जा दे दोगे तो वो कर्जे के ऊपर कर्जे के ब्याज में ही बराबर हो जाएगा। यदि उसको ब्याज मुक्त यदि पैसा दिया जाएगा तो निश्चित रूप से फिर वो भी सर्वाइव कर जाएगा, परंतु यदि उसको ऐसे को भी दिया और उसके ऊपर आपने कमी इंटरेस्ट लिया तो निश्चित रूप से बात मान के चलना कि आने वाले समय के अंदर वो जब डबल कर्जे के अंदर दब जाएगा तो वो चुका नहीं पाएगा, और चुका नहीं पाएगा तो उसको कई सारे गलत रास्ते अपनाने पड़ेंगे। हम गलत रास्तों की तरफ उनको ना लेके जाएं, उनको कहीं ना कहीं हम सहयोगी बनकर उनके साथ में रहें। हमारे पास बहुत सारे कमेंट आए उनके ऊपर मैं बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, परंतु निश्चित रूप से जो विषय थे उन्हीं सब चीजों के ऊपर कही है। ऑनलाइन मार्केटिंग के ऊपर हमने पहले बात रही है, यदि अच्छे लोग आगे आएंगे तो निश्चित रूप से स्वामी जी स्वागत करता है उनका और निश्चित रूप से उनको आगे कर कार्य करेंगे। आज के कार्यक्रम में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद निश्चित रूप से गिरधर तेजवानी जी, हमारे गोविंद भाई साहब, आपका दोनों का, दोनों ही भाई साहब मेरे बड़ों का निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से आज हम ऐसे विषय के ऊपर विषय लेके गए जिसका कहीं ना कहीं आम जनता को इन सब चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और कई सारे लोग हमारे पास में ऐसे भी लोग जुड़े जिन्होंने ये बात रखी अपनी किस तरीके से आर्थिक पैकेज के अंदर काम किया जा सकता है, और क्योंकि आप अनुभवी हैं दोनों तो निश्चित रूप से उन अनुभव के आधार पर लोगों को इन सब चीजों का फायदा मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ए फॉर अजमेर। जब एबीसीडी के अंदर अजमेर पहले, अ आई में अ पहले, साक्षरता मिशन में अजमेर पहले, सारी योजनाओं में अजमेर पहले, स्मार्ट सिटी की घोषणा में अजमेर पहले, फिर कोरोना की लड़ाई में अजमेर पीछे क्यों? कोरोना की लड़ाई में कौन जिताएगा अजमेर को? आप और हम संकल्प लें, मास्क पहनें, सरकारी गाइडलाइन की पालना करें और अपनी बारी आने पर वैक्सीनेशन लगवाएं, सेवा कार्यों में अपना हाथ बटाएं, घर रहें सुरक्षित। मोबाइल रिपेयरिंग और एसेसरीज की दुनिया में तेजी से उभरता हुआ विश्वसनीय नाम एमडी मोबाइल सॉल्यूशन। स्टेशन रोड स्थित एमडी मोबाइल सॉल्यूशन पर उपलब्ध है एक से बढ़कर एक मोबाइल कवर, पावर बैंक, चार्जर, ग्लास गार्ड, गोरिल्ला ग्लास, ब्लू मेट ग्लास, चार्जिंग केबल, सेल्फ फोटो कवर, हेडफोन, ईयरफोन, ब्लूटूथ, पॉप सॉकेट, मोबाइल ट्राइपोड, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ब्लूटूथ स्पीकर, डाटा केबल और फ्लिप कवर। महंगे मोबाइल टूटने से अब नहीं होना पड़ेगा दुखी। देखिए एमआई का फोन आया है डैमेज, हम इसको रेडी करेंगे, इसका ओनली ऊपर का स्क्रीन ग्लास टूटा हुआ है, हम इसका ग्लास चेंज करेंगे विद वारंटी के साथ। आइए स्टेशन रोड स्थित एमडी मोबाइल, मात्र 20 मिनट में बदलेगा सभी प्रकार के टूटे कॉम्बो को। श्री लक्ष्मी विहार, फाईसागर रोड, अजमेर। क्या आप फाईसागर रोड पर नई कॉलोनी में अपना प्लॉट लेना चाहते हैं? तो तुरंत संपर्क करें 7737226695। हमारे यहाँ उपलब्ध है 65 गज से लेकर 180 गज तक के प्लॉट्स। आज ही बुक करें, बने अपनी जमीन के स्वयं मालिक। अगर आप बना बनाया मकान भी लेना चाहते हैं तब भी संपर्क करें 8302503428। श्री लक्ष्मी विहार, फाईसागर रोड, अजमेर। Disappointment. Good coffee, tasty and
affordable round the clock. Ho pyar ka izhar karna, ya phir ho pet bharna. Mauj masti ka mood ho, ho doston ko khush karna. Zindagi ko jee le, kuch kha pi le. Pizza point.